नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। अब नोटों की अदला बदली पर कसेगा शिकंजा। 500 और 1000 रुपए के बंद नोटों को बदलवाने के लिए बैंकों में लगी लंबी लंबी कतारों से निपटने के लिए सरकार ने अब नोट बदलने के लिए आने वाले व्यक्ति के नाखून पर शाही लगाने की घोषणा की है। यह शाही उसी तरह होगी जिस तरह मतदान के दौरान लगाई जाती है। वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार को सरकार की तरफ से बैंकों में भीड़ भाड़ को कम करने के उद्देश्य से उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि अब बार बार एक ही आदमी नोटों की अदला बदली नहीं कर सकेगा। 500 और 2000 रुपए के नए नोटों को लेकर सोशल मीडिया पर आ रही तरह तरह की खबरों पर वित्त सचिव ने कहा कि इन नोटों का रंग मामूली रूप से जरूर उड़ेगा, अगर रंग नहीं उड़ा तो वह नकली नोट हो सकता है। पहली बार मामूली रंग उतरेगा, उसके बाद नहीं उतरेगा, यह खास रंग की कोटिंग के वजह से होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है। धार्मिक स्थलों एवं न्यासों के प्रबंधकों से भी कहा गया है कि चढ़ावे में आने वाले छुट्टे नोटों को तुरंत बैंकों में जमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनधन खातों में पैसा डालने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, जनधन खाते में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं किया जा सकेगा। दूसरी ओर देश भर में बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को ज्यादातर बैंकों और एटीएम में दोपहर 3 बजे तक रुपए खत्म हो चुके थे। लोग निराश होकर खाली हाथ लौट रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार नोटबंदी के कारण जमीन और कार की बिक्री में भारी कमी आई है। नकदी की समस्या के चलते छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि समस्या जल्द ही सुलझ जाएगी और सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। बैंकों के बाहर नोट बदलवाने के लिए लोगों की मदद के लिए अब स्वयंसेवी संगठनों के साथ ही राजनीतिक दल भी आगे आए हैं और कतार में खड़े लोगों को चाय पानी के साथ ही सब्जियां भी निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण करने संबंधी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया, लेकिन शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा है कि इस निर्णय से जनता को हो रही असुविधा कम करने के लिए हो रहे उपायों की जानकारी दी जाए। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एक याचिका के जवाब में कहा कि हम इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाएंगे। न्यायालय ने केंद्र और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किए बगैर इस मामले को 25 नवंबर को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। बिहार में जहानाबाद के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार मामले में 10 को फांसी, 3 को उम्र कैद। नोटबंदी पर भाजपा ने कहा, विपक्ष के चेहरे से नकाब उतरा, देश की जनता हमारे साथ। प्रधानमंत्री की 97 वर्षीय माँ हीरावा ने भी कतार में लगकर बदले पुराने नोट। कश्मीर घाटी में कड़ी सुरक्षा के बीच 10वीं की परीक्षा शुरू। जर्मनी में इस्लामी गुट पर प्रतिबंध के बाद मस्जिदों तथा फ्लैटों पर छापे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।